नमस्कार किसान साथियों, बात कर लेते हैं इंदौर मंडी के माहौल के बारे में। किसान साथियों, सुबह सुबह की जो अपडेट है, रिपोर्ट है, मैं आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी के द्वारा बताऊंगा। अनुरोध है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले समय में हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए किसान मित्रों, अब मैं आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी के द्वारा बताऊंगा आज का जो माहौल है, माहौल की अपडेट रिपोर्ट इंदौर मंडी में कैसी देखने को मिली हुई है। किसान साथियों, अगर माहौल की बात करें उससे पहले अगर आवक की जानकारी करें, तो नए प्याज की जो आवक है लगभग किसान साथियों, नए प्याज और पुराने प्याज की दोनों प्याज की आवक मिलाकर 60-70 हज़ार कट्टे के बीच में देखने को मिल रही है इंदौर मंडी में। इसमें जो आवक है काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है किसान साथियों। और नीलामी रिपोर्ट की बात करें तो अभी नहीं हुई है, 11 बजे नीलामी रिपोर्ट अवेलेबल होगी, मैं सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। किसान साथियों, आशा ये लगाया जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक तेज़ी आने की उम्मीद नज़र आ रही है। और किसान साथियों, अगर कल के नीलामी रिपोर्ट की बात करें तो कल 2000 रुपये से लेकर 2100 हाईएस्ट जो प्याज है वो बिकता हुआ नज़र आया था इंदौर मंडी में किसान साथियों। मतलब जो भाव है वो सामान्य तौर पर 2000 प्लस के देखने को मिल रहे हैं मंडी में। आज की नीलामी रिपोर्ट मैं आपको 11 बजे वाली वीडियो में सबसे पहले अवेलेबल कराऊंगा, बताऊंगा किसान साथियों।